माफी मांगा। बहुत सारे हंसी मजाक तो हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा रंग संजीदगी का, थोड़ा सा अशार से मजे लेने का और गायकी का कमाल तो है। मैं अपने दोस्त, अपने साथी, अपने भाई और इस मुल्क के मायानाज गजल सिंगर सलमान अली से दरख्वास्त करता हूँ, वो आपका सामान आ जाएगा। आप आ जाए, आपका सारा सामान आ रहा है। खातिर हजरात, एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूँ, वो ये कि आर्टिस्ट लाइजन कमेटी ने फैसला किया है आपकी आज की जो तस्वीर देखकर कि अब ये हस्ती गाती शाम हर महीने एक दफा होगा। और इसी तरह हंसी के सामान दिखाने वाले और इसी तरह मौसीकी के कमाल दिखाने वाले लोग आएंगे और आप लोग उसको इंजॉय किया करेंगे। महीने के आखिर में या शुरू में कुछ इस तरह होगा, अगर नदीम साफर साहब और बाकी इंतजामिया ने हमें अभी इस तजवीज़ को मुनासिब समझा तो। आज जब तक ये इंतजाम हो रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे एक बुजुर्ग जिनसे मैंने बोलना सीखा तालिब इल्म के ज़माने में, वो यहाँ मौजूद हैं और बहुत कुछ इन्होंने हम सबको सिखाया नौजवानी का और इस मुल्क की सियासी तारीख में एक बहुत बड़ी शख्सियत डॉक्टर आलिया इमाम यहाँ मौजूद हैं, तो मौके से फायदा उठाते हैं। आप बताइए आपको आज का प्रोग्राम कैसा? मुस्कुराहट के लिए इंसान दरस बना है। आपने वो तमाम जितनी भी मिठास है उसको पेश कर दिया। आप मैं नहीं समझती हूँ कि मैं किस मान किस अंदाज से आपका शुक्रिया अदा करूँ, और ख़ास तौर से नौमान का, आपका और हमारे जितने आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट हमारी सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा खजीना, सबसे बड़ी अमानत है। उनकी हिफाजत करना, उनकी देखरेख करना, उनकी ऊपर की तरफ ले जाना, हर मोहतब इंसान, हर मोहतब हुकूमत और हर मोहतब माशरे का फरीजा है और बनी है। मैं आपको इस प्रोग्राम के इकरार पर मोहब्बत का खराज, अकीदत के फूल, महल वफा के गुजरते नजर करने का एजाज हासिल। साथी नौजवान, बुजुर्गों की मौजूदगी बाइस बरकत भी होती है और बाइस फख्र भी। हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे अहबाब मौजूद हैं जो बहुत समाजी तौर पर भी और अदबी तौर पर भी काम कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फेसबुक के एक बहुत मकबूल ग्रुप उरूसुल बनात के सरबरा जनाब इकबाल रहमान साहब का शुक्रिया आपके आमद का, जावेद जान आपकी आमद का शुक्रिया, और जितने अहबाब यहाँ बैठे। लेकिन साथ साथ मैं एक्चुअली आर्टिस्ट लाइजन कमेटी के बहुत ही मेहनती और बहुत ही मेरे लिए मददगार लोगों का शुक्रिया ऐसे अदा करना चाहता हूँ कि आखिर में ऑडियंस भागने के चक्कर में होते हैं देर हो जाने की वजह से, तो मैं जिन जिन के नाम मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक याद आ रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे सीनियर ताबीर अहमद आबाई साहब, अकरम अली साहब, हमारे नफीस वारी साहब, तनवीर साहब, रफीक साहब, तारिक रहमानी साहब, कौशल रिजवी साहब, जावेद साहब और जितने और बारगाह अदब के जनरल सेक्रेटरी यहाँ मौजूद हैं जी, और ऐसे ही तमाम शोरा और शायरान यहाँ मौजूद हैं। इन सब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे मुल्क के बहुत ही नुमाया और काबिल फख्र फनकार जिनको देख के, जिनके सुन के आप हंसते थे, वहाँ से आज उनकी बेगम साहिबा, जरी साहिबा, उमर शरीफ मौजूद हैं, मैं उनकी आमद का शुक्रिया बाकी नजरात खान
हैं। अगर ये प्रोग्राम अकबर लतीफ साहब के अलावा कोई और कर रहा होता तो मैं हामी नहीं भरता, क्योंकि ये मुझे कुछ समझ नहीं आता। लतीफ साहब ने कहा इधर कॉमेडी कहाँ बदल, क्या बात कर रहे हैं, सच्ची बात कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, अगर ये अकबर लतीफ ना होते कोई और होता तो मैं शायद मदद कर लेता, मगर इतना अच्छा लग रहा है और आप सबका जो इन्वॉल्वमेंट है हर चीज़ में वो ये बिल्कुल इस बात की बनाजी कर रहा है कि ये प्रोग्राम बार बार होना चाहिए। और मैं जब आप लाइनों के बारे ये अली साहब ये अकबर लतीफ बिल्कुल और ही नहीं, इनको कर रहे हैं क्योंकि बिना पुराने दोस्त हैं कि ये कोई और होने से अच्छा जी। मैं आपको बेशक मैंने तो कहा कि ये जिस तरह से लॉर्ड एंड ऑडियंस ऑडियंस है, ये कोई भी शो रिकॉर्डेड बहुत चीज होती है, लाइव शो के अंदर कोई ऑडियंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो तो कितने से बड़ा आर्टिस्ट बैठा है आर्टिस्ट कुछ नहीं है। तो आपने जिस तरह मजाक को इन्जॉय कर रहे हैं, जिस तरह गानों को इन्जॉय कर रहे हैं, उम्मीद करूँगा कि गजल को भी उसी तरह इन्जॉय करेंगे। हालांकि ये अलग सेक्टर है, कोशिश करूँगा दो तीन लड़के आपके सामने पेश करूँ क्योंकि ऐसा परफॉर्मेंस हुआ नहीं, सबको परफॉर्म करना है। जो गजल मुझे इस वक्त कठिन याद आ रही थी वो कुछ आजकल के हालात से लगाया जो मैंने पुरानी गजल एक बार अजीब साहब की बीच में अगर अभी जिसको उठना बैठना करना है पहले थोड़ा सा उनको साथ साथ इसके भी थोड़ा सा बैकग्राउंड का ख्याल रखे तो बहुत मजा आएगा। अपने माथे
Thank you.
इसके बाद जो सुना Thank you.
पर मैं बैठे हुए हैं माशाल्लाह, और ये नुसरत अली एक बहुत ही कमाल का पौधा करके इंसान है, जिनके लिए भी बहुत तालियाँ, अली हसन के लिए भी बहुत तालियाँ, इसके साथ जो आदमी बैठा है इसके लिए भी बहुत तालियाँ। सलमान भाई ने बिल्कुल सही कहा और मुझे गुस्सा भी आया, मैंने कहा यार एक बार मेरे को समझ नहीं आती यार, वो खजर भी गवा रहा है, ये भी कर रहे हैं, साथ में ये मजाक भी हो रहा है, इनको प्रोडक्ट बनाने नहीं आती यार, ये क्या ये तो मेरे भी ये जज्बात थे जो हार के थे। लेकिन आप ये देखेंगे आपकी मोहब्बत में भी ये फिर हमारे इतने बड़े बड़े सिचुएशन यहाँ बैठे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तो ये बहुत ही शानदार ये प्रोग्राम हुआ जिसका सारा क्रेडिट इकबाल लतीफ साहब को जाता है। मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा तालियां हमें अपने बड़े भाई इकबाल लतीफ के लिए बजानी चाहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके जीत के लिए आप सलमान खान को गाना गाने चाहिए। मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने ये हसन के साथ अली हसन के साथ आदमी को आदमी करा दिया। मैं सिलसिला वहीं से शुरू कर रहा हूँ जहाँ से मन खता हुआ था, एक एक शेर मैं सुना चुका था ये दो आतिशे का। उसमें भी करामात का मैं इस्तेमाल
इस्तेमाल किया है मगर शेर का नाम शेर की नहीं है भक्तों ने दामन पे कोई Thank you.
सलमान तनवीर साहब को ऐसे नहीं जाने दें, ये डिजर्व अ स्टैंडिंग ओवेशन। जाएंगे नहीं सलमान साहब, प्रोग्राम तो गवर्नमेंट की है। बहुत शुक्रिया।